नमस्कार बच्चों, सिलेक्शन इंडिया पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम अपनी पॉलिटी की श्रृंखला में आज हम आपको जो पिछली 3 क्लास थी संविधान के विकास से संबंधित, 3 या 2 क्लास जो भी हो, और उसकी हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी क्वेश्चन हम बोर्ड पर आपके सामने डिस्कस करेंगे, आपको भी अपना दिमाग लगा करके हमारे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर तुरंत का तुरंत देने हैं, जिससे पता चले कि जब हमारी क्लास खत्म हो तो उस क्लास में आपका जो स्कोर है, मान के चलो हमने 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आपको डिस्कशन करवाई, तो आपने उनमें से कितने क्वेश्चन हमारी जो पहले वाली क्लास थी उनके द्वारा कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिससे क्या होगा बच्चियों कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा बड़े बड़े एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन या जिस भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन पर, वो बेहद अच्छा होगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी नई तरीके का कोई एग्जाम दे रहे हो या नई तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि जब आप यहाँ क्वेश्चन डिस्कशन थ्रू में आप उसका आंसर दे पाते हो तो बिल्कुल एज इट इज आपको कंडीशन लगती है जैसे कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। तो हमारी आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप भी साथ ही साथ क्या करें, उनके आंसर सॉल्व करें। हमारा जो डिस्कशन होगा आज क्वेश्चन आंसर पर, वो कंपनी के अधीन जो शासन चला था उस समय क्या एक्ट बने थे, क्या कुछ नहीं हुआ, वो हमने सब डिस्कस कराया था। उसके बाद पहले तो 1773 से लेकर के 1857 के बीच का जितना भी था उस पर डिस्कशन करेंगे, जो हमारी पहली क्लास थी। उसके बाद हम आपसे 1858 से लेकर के 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो था उस दौरान जो क्लास कराई थी हमने, उसमें जो भी कुछ पढ़ाया था उसमें देखते हैं कि क्लास ऐसे ही पढ़ाई थी कि आयोग में उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें ये एग्जैक्ट पता चल जाती है कि हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है और किस स्तर पर पढ़नी है, जिससे हमारे क्वेश्चन आंसर आसानी से टिक टिक हो जाएं। हम क्या करते हैं, किसी भी किताब को लेकर के पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हमें पता ही नहीं चलती कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और हम पढ़ क्या रहे होते हैं, सालों साल उसी में हम गुजार देते हैं। लेकिन हमें अब आगे ऐसा नहीं करना है, हमें टू द पॉइंट स्टडी करनी है। और हमारा, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा जो जो भी क्लास अब होगी उस क्लास का जो डिस्कशन लेवल ही होगा टू द पॉइंट, बैगियर क्वेश्चन पेपर, और हम अपनी तरफ से क्या कुछ और नया करा सकते हैं उन सबको मिलाकर के आपके सामने करेंगे, जिससे एक्स्ट्रा कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपको ज़्यादा मोटी मोटी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत छोटी छोटी एनसीईआरटी किताबों को आप पढ़िए, उनको बार बार पढ़िए, यही आपकी सफलता का सबसे बड़ा स्तंभ आपके सामने होंगी, जिसे आपको क्या करना है, भेदना है। तो चलते हैं हम अपने डिस्कशन की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो ये है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन, किस अधिनियम ने, एक सेकंड, थोड़ा मार्कर सही फैल गया, हमारा डिस्कशन है बच्चों। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में, पहला ही क्वेश्चन हमारा जो होगा आपके सामने वो ये होगा, कौन सा अधिनियम था, कौन सा एक्ट था, ठीक है ना, जिसने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। मतलब ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके तहत भारतवासी अब जो प्रशासन था अंग्रेजों के समय, ब्रिटिश प्रशासन था, उस ब्रिटिश प्रशासन में हिस्सा लेना संभव हुआ। समझ गए ना, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब ब्रिटिश प्रशासन था, कंपनी का शासन जब था, तो भारतीयों को उसमें हिस्सा लेने का कोई भी अधिकार नहीं था। तो ऐसा कौन सा एक्ट बना था जिसके तहत भारतीयों को प्रशासन में हिस्सा लेने की अनुमति मिली थी। तो पहला इसका ऑप्शन है बच्चों, चार्टर 1813, चार्टर एक्ट 1813। आपको इसका आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है तुरंत।
चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट है बच्चों चार्टर एक्ट 1853, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और इसका लास्ट ऑप्शन है बच्चों इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो हम दोबारा एक बार और आपको डिस्कशन कर देते हैं। इसमें ये पूछ रहा है, ये ऐसा कौन सा एक्ट था जिसमें भारतीयों को प्रशासन में हिस्सा लेने की सहभागीदारी सुनिश्चित हुई थी। तो पहला इसमें जो ऑप्शन है वो चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1813 है पहला, दूसरा 53 है, फिर भारत शासन अधिनियम 1858, फिर इंडियन काउंसिल मतलब भारत परिषद एक्ट 1861। तो इसमें आपको बताना है इसमें आंसर कौन सा होगा। तो मैं आपको डिस्कशन आपने सोच लिया होगा, कमेंट कर ली होगी, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें चार्टर एक्ट एक्ट 1800 जो ये 13 नहीं होगा, ये 33 होगा, इसे 33 कर लेना, 1833। तो इसका आंसर भी यही होगा। मैंने ये बताई थी इस एक्ट में एक प्रोसेस था बच्चियों, वो प्रोसेस ये था कि ये जो एक्ट बना था उसमें ये प्रोविजेंस किया गया था कि अब भारतीयों के साथ सार्वजनिक सेवाओं में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो भेदभाव नस्ल के आधार पर हो, चाहे वो भेदभाव रंग के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, या संपत्ति के आधार पर हो, इस आधार पर उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि लोगों को अब सार्वजनिक पदों में उनके लिए जो योग्यता योग्यता जो संबंधी मानदंड थे, उन मानदंड को क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। इसका मतलब क्या है, अब भारतीय सार्वजनिक सेवाओं में मतलब प्रशासन में जा सकते हैं। तो ये डिस्कशन हमने कराया था, हल्का सा ध्यान किया तो आसानी से हो गया। तो इसके बाद चार्टर एक्ट 1853 में ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। इसमें तो लोक सेवा आयोग और की बनाने की बात की गई थी, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में भी ऐसा कुछ नहीं था, और एक्ट 1861 में भी ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका आंसर होगा बच्चों ए, मतलब पहला आंसर। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये यूपीपीसीएस 2000 यूपी पीएससी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन, तो कुछ हार्ड नहीं है इसमें और बेहद आसानी से ये सॉल्व सॉल्व भी हो गया। इसके बाद जब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर। तो क्वेश्चन टू जो है हमारा वो ये है कि कौन सा एक्ट था, एक्ट ही पूछा है, जिसमें चाय को छोड़ दिया गया था और चीन ये व्यापार कंपनी करेगी और उसके अलावा अन्य को कंपनी से छीन लिया गया था, कौन सा एक्ट था। एक बार मैं बोल दे रहा हूं, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो इसमें मैं फर्स्ट ऑप्शन दे रहा हूं आपको, चार्टर एक्ट 1813। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, हर एक का कमेंट बॉक्स में लिखना है, लास्ट में मुझे बताना है कि कितने सही बैठे। नेक्स्ट है 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर एक्ट, सी है बच्चों 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, और डी है बच्चों एक्ट डी है
एक्ट 1873। तो मेरा कहने का मतलब ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत पहले का एक्ट है। इससे संबंधित तो चाय चीनी वाली बात कंपनी पर थी नहीं, क्योंकि कंपनी खुद मजबूत होती चली जा रही थी इस दौरान, तो कंपनी कमजोर तो होगी नहीं, ठीक है ना। तो जहां कंपनी को पूर्णतः की बात करें, कि पूर्णतः जो अधिकार छीने गए थे कंपनी से वो इसमें छीने गए, तो पूर्णतः तो पूछा नहीं है, कंपनी के पास चाय का रह गया था और चीन के साथ भी व्यापार कर सकती थी। तो ये था 1813 का, जिसमें ये भी बोला गया था कि ब्रिटिश सरकार जो अपने बजट से 1 लाख रुपए शिक्षा पे भी खर्च करेगी, जिसमें ये भी बोला गया था कि प्राश्वादी शिक्षा या शिक्षा के लिए एक इंस्ट्रक्शन बनेगा 1823 का। तो ये सब इसी में प्रबंध थे। तो आंसर इसका कौन सा होगा बच्चों? आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तीसरे की, तो इसी से संबंधित है, मैंने ये बताई थी इसी एक्ट में था, एक कमेटी बनाई थी जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जो 1823 में इसी एक्ट के तहत बनी थी, और पाश्चात्य एवं आंग्लवादियों ने उसी संबंध में ये भी बोला था कि शिक्षा इंग्लिश होनी चाहिए, जिसमें 35 में जाकर के 1835 में जाकर के मैकाले आयोग भी बना, जिसने ये बोला था कि उच्च शिक्षा में माध्यम जो होगा वो क्या होगा, उच्च शिक्षा में माध्यम जो होगा वो इंग्लिश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने या किनसे, किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो क्वेश्चन 3 है बच्चों, किसके द्वारा या किन से या किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? ये आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में तुरंत का प्रत्येक क्वेश्चन का दिया करिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में देखेंगे कि किसके कितने सही है, लास्ट में ये भी बताओगे, चैट बॉक्स में इनके आंसर प्रत्येक क्वेश्चन वाइज आंसर दोगे, और कमेंट बॉक्स में टोटल बताओगे कितने मार्क्स रहे, किसके कितने मार्क्स आए ये भी बताओगे मुझे, ठीक है। तो मैं देखूंगा कितना आप तैयार कर पा रहे हो और कौन कौन तैयार कर रहा है ये भी मुझे पता चलेगी, ठीक है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन होगा, तो ये पूछ रहा है भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी। पहला है बच्चे इसमें चार्टर एक्ट 1813, दूसरा है इसमें जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, और ये कब बनी थी? 1823 में। और तीसरा है आंग्ल विद, या लिख सकते हो प्राश्विद एवं, प्राश मतलब पश्चिमी, प्राश्विद एवं आंग्ल विद विवाद, ये है। और इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं बच्चों, वो पहला है एक व दो, एक व दो, बी है इसमें केवल दो, केवल दो, सी है बच्चियों इसमें एक व तीन, केवल एक व तीन, और डी है बच्चियों इसमें एक दो और तीन। तो आप बताओगे इसमें क्या होगा, जल्दी से सोचिए और इसका आंसर दीजिए, उसके बाद मैं इसका डिस्कशन करवाता हूँ। बेहद अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन IAS 2018 में नया आया हुआ क्वेश्चन है, कितना शानदार है। IAS 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो डिस्कशन से देखिए कितने क्वेश्चन आप आसानी से कर पा रहे हो। ये IAS में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों हमने ये बताया था आपको कि एक्ट जो 1813 था, इसमें ये बात की गई थी कि जो शिक्षा का क्षेत्र है, मैंने ये बताई थी एक तो साहित्य में और एक विज्ञान में खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए प्रत्येक साल ब्रिटिश बजट से खर्च किए जाएंगे, किसके लिए? भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए। तो अब ये साहित्य की बात कर रहा है, तो इंग्लिश साहित्य को बढ़ावा देगा, इसका मतलब क्या है? एक्ट
चार्टर एक्ट 1813 तो सही होगा। दूसरी बात, हमने ये डिस्कस भी कराया था जब हमने आपको ये बताया था कि 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपये ग्रांट दिए जाएं। और मैंने ये भी बताया था कि इसमें 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिनमें जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, लॉर्ड मैकाले ने की थी। बाद में यही लगभग 1828 से 35 के शासनकाल में, या हम बोल सकते हैं 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले इस प्रस्ताव को स्वीकृत करते हैं और भारत में उच्च शिक्षा के लिए क्या करते हैं, माध्यम जो है वो अंग्रेजी करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आंसर 2 भी इसका ठीक होगा। मैं प्राश्चिमित मतलब पश्चिमी वेद वाले, जो पश्चिमी विद्वान लोग थे उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जो एंग्लिसिस्ट बोल सकते हो इनको, ठीक है ना। तो प्राश्चिमित, और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था H.T. Prinsep, वो प्राश्च विद्वान थे, पश्चिमी के विद्वान थे। वो तो खुद चाहते ही थे सब सीधे तौर पर कि भारत में इंग्लिश का विस्तार होना चाहिए, अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, जिससे भारत ग्लोबल ग्लोबल स्तर पर अपनी वैश्विक भागीदारी को सुनिश्चित करे। तो इसका मतलब है कि आंग्ल भी, प्राश्चविद भी चाहते थे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया, और जो आंग्ल भी थे वो भी चाहते थे। उसमें मैंने बता भी दिया H.T. Prinsep थे। तो इसका मतलब क्या है, आंसर ये भी ठीक होगा। तो इसका आंसर होगा बच्चियों डी। अब देख लेना किस किसका ये सही रहा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चियों, जो सुमेलित करने के लिए है, बेहद आसान क्वेश्चन। तो ये देखो 2018 में IAS में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हमें ये देखना चाहिए हम क्वेश्चन को कहाँ से, क्लास कहाँ पढ़ते हैं हम, क्या क्या चीज़ फालतू की पढ़ते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सुमेलित, सूची वन और सूची सेकंड, सूची फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हो, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, ठीक है ना, सुमेलित करवा रहा है। और ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों UPPCS 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, UPPCS प्री में, UPPSC 2003 का क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो फालतू का होगा, आयोग के द्वारा पूछे हुए सभी क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें आसान कर अपनी तरफ से बना रहा हूँ। तो इसमें ए में जो पूछा गया है बच्चों, वो ये पूछा गया है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियंत्रण परिषद की स्थापना, ठीक है। बी में ये पूछ रहा है वो कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सी में ये पूछ रहा है वो कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, मतलब मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। ये टेलीग्राम पर भी इसकी पीडीएफ पड़ी हुई है। डी में उसने पूछा है बच्चे हो कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य की नियुक्ति, गवर्नर जनरल की परिषद में जो विधिक सदस्य था, कानून सदस्य की नियुक्ति, कानून सदस्य की नियुक्ति। अब उसने विधिक की जगह क्या दे दिया, कानून दे दिया, तो शब्दों को चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले का मेल दे रहा है उसमें एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और दूसरे में बच्चे को दे रहा है ये पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और थर्ड में दे रहा है बच्चे को ये चार्टर एक्ट 1813, और नेक्स्ट दे रहा है चार्टर एक्ट 1833। इसके अगर मैं ऑप्शन की बात करूं बच्चों, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका ए है इसका, तो देखो स्मॉल ए लिख दे रहा हूं मैं, उसमें दे रखा है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का फोर। वहीं बी में कह रहा है वो ए का दूसरा, बी का पहला,
और सी का 3 और डी का 4। वहीं सी की मैं बात करूं बच्चों, तो ये कह रहा है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का 4 और डी का 3। वहीं हम डी की बात करें तो ये कह रहा है ए का दूसरा, बी का 4 और सी का पहला और डी का 3। तो देखिए इनमें से कौन सा आंसर होगा, जल्दी से करिए। तो देखो हमने ये सब डिस्कस करा रखे थे, एक्ट 1773 रेगुलेटिंग, जिसके तहत एक न्यायालय की स्थापना की थी कलकत्ता में, जिसके पहले जो न्यायाधीश थे मुख्य न्यायाधीश वो एलिजा इम्पे थे, बताया था हमने। 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, तो इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में बात कर रहा है उसका कौन सा होगा। तो मैं ये बता रहा हूँ सभी नहीं पता, फिर भी आप किस तरीके से कर पाओगे आंसर। तो ध्यान देना, बी का दूसरा कह रहा है, ये क्या कह रहा है, सॉरी बी का पहला कह रहा है। तो देखो बी का पहला, देखो केवल इसमें है, बी का पहला केवल इसमें है। तो इस तरीके से तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सिंपल सी बात से ही मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यूपीपीसीएस 2003 का आंसर केवल एक क्वेश्चन के समझने से ही सॉल्व हो गया। जो सिंपल सी चीज थी हमें रटी हुई थी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जब कंपनी ने भ्रष्टाचार किया, ठीक है ना, 1772 में कंपनी दिवालिया तक की स्थिति पर आ गई, तब ब्रिटेन से एक दो एक्ट बने थे, एक तो कंपनी को ऋण देने के लिए और एक एक्ट बना था कंपनी में सुधार के लिए, उसका मैनेजमेंट रिफॉर्म करने के लिए। उसमें यह भी बोला गया था इसकी सुनवाई के लिए एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा, सर्वोच्च न्यायालय बनेगा, और वो किसके तहत बनेगा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो उससे ही आंसर सॉल्व हो गया। लेकिन हम और देखते हैं, हमने फिर ये बताई थी कि जो मिशनरियां हैं, मिशनरियों को जो अनुमति मिली थी भारत में आने की वो 1813 एक्ट के तहत मिली थी, बताई थी कि अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया गया, क्योंकि यहां तक जो राष्ट्रवादी थे, जो उग्रवादी थे, वो काफी बड़े पैमाने पर भारत में आंदोलन कर रहे थे। तो इन्हें इन्होंने ऐसा प्रोसेस किया कि अगर मिशनरियां भारत में आएंगी तो वो अपनी मानसिकता से ईसाई धर्म में परिवर्तित लोगों को करेंगी, जिससे क्या होगा, ब्रिटिश का बोलबाला ज्यादा हो जाएगा। जहां तक इन्होंने शादी तक की अनुमति दे दी थी तो ब्रिटिश का बोलबाला ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए इन्होंने 1813 एक्ट में क्या दी थी। तो सी का तीसरा, तो देखो सी का तीसरा भी इसमें मिल रहा है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानून बनाने, कानून जो सदस्य लिया था वो एक सदस्य 1833 एक्ट के तहत लिया गया था, ये हमने पढ़ाया था। तो 4 का 4 हो जाएगा बच्चों, और पहले का नियंत्रण परिषद की जो स्थापना करी थी उस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की थी, अगर ध्यान हो तो, ठीक है ना, 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, बी, पहले से ही ये आंसर सॉल्व हो गया था। तो बताना किस किसने ये सॉल्व किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, तो कुछ नहीं करना होता और क्वेश्चन बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाता है, लेकिन ये बार बार रिवीजन करने पर, जब तुम अपनी क्लास नोट्स के बार बार रिवीजन करोगे, ज्यादा आलतू फालतू मटेरियल में नहीं पढ़ोगे, तब ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से, क्वेश्चन 5, तो देखो ये ब्रिटिश कंपनी वाले ही क्वेश्चन आ रहे हैं सब। तो निम्न में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो वो पूछ रहा किस एक्ट के तहत, एक्ट ही पूछा है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, की स्थापना की गई, ये पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट के तहत बना। और ये क्वेश्चन आया है बच्चों यूपीपीएससी के मेंस में 2010 में, पहले मेंस ऑब्जेक्टिव आते थे, ठीक है ना, अब ये 2018 से सब्जेक्टिव हो गए हैं, तो उसमें पूछा है। इसका पहला जो ऑप्शन दिया है बच्चों वो ये दिया है, रेगुलेटिंग एक्ट 1700, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बी जो ऑप्शन दिया है बच्चों इसमें वो दिया है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784,
1784। सी जो ऑप्शन दिया है वो बच्चों दिया है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813। और डी जो ऑप्शन दिया है बच्चों वो दिया है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833। और सबको पता होगी, इसमें मुझे ज़्यादा डिस्कशन कराने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। तो बच्चों ये बेहद आसानी से क्वेश्चन, फर्स्ट जो हमारी कंपनी से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस कराए, उसके बाद अब हम क्राउन रानी से संबंधित जो क्वेश्चन थे उसको डिस्कशन कराएंगे। तो हमारा अब जो अगला क्वेश्चन होगा सेकेंड पार्ट में, जो ब्रिटिश क्राउन का जो शासन रहा है भारत में, अब हम उससे संबंधित क्वेश्चन आपको कराते हैं और बताते हैं आयोग किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और हम अपने डिस्कशन के माध्यम से उसको कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन जो नेक्स्ट है छठा, मतलब पीडीएफ का पहला होगा उसका नेक्स्ट, जो अगले लेक्चर की पीडीएफ जो है, ठीक है ना, शायद लेक्चर 3 होगी या 4 होगी, देख लेना। तो एक्ट 1935 क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा है। और पूछा कब है, ये लोअर पीसीएस में पूछा है 2015 में, यूपी लोअर पीसीएस 2015 का क्वेश्चन है। इसका जो पहला जो ऑप्शन होगा बच्चों वो ये है कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बी में इसने दिया है इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, क्या मिली, भारत को स्वतंत्रता मिली। और सी है बच्चियों इसमें, इसने भारत का विभाजन उल्लंघित किया, इसमें भारत विभाजन उल्लंघित उल्लंघित था। और डी है बच्चियों इसका जो लास्ट ऑप्शन है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो मैं आपको अगर बताऊं तो मैंने पहले ही बता दिया था कि एक्ट 1935 काफी जटिल, काफी बड़ा और अंतिम दस्तावेज था, और मैंने बताई थी 50% से भी ज्यादा उसके जो प्रावधान थे वो मूल संविधान और वर्तमान संविधान में आज देखने को मिलते हैं। कई चीजें बताई थी, सर्वोच्च न्यायालय का होना, राज्यपाल के कार्यालय का होना, समझ में आ रही है ना। तो इस तरह के बहुत सारे प्रावधान हमने एक्ट 1935 से लिए थे। तो हमारा आंसर इसमें होगा कि भारतीय संविधान में प्रमुख स्रोत के रूप में 50% मोर देन 50% से भी ज्यादा प्रोविजन एक्ट 1935 से लिए गए, इसीलिए क्या है, महत्वपूर्ण है। भारत को जो स्वतंत्रता मिली थी वो भारत सरकार अधिनियम 1947 के तहत मिली थी, तो ये तो होगा ही नहीं। इसके बाद इसे भारत के विभाजन को उल्लंघित किया, तो भारत के विभाजन को भी उल्लंघित एक्ट 1947 ने किया था, जिसमें आपको पता हो सर रेड क्लिफ आयोग ने सीमाओं को निर्धारित किया था। इसमें मैंने शायद अगली क्लास, लास्ट जो क्लास थी उसमें बताया भी था कि कौन कौन सा क्षेत्र इनको दिया गया था, बहरालपुर, खैरपुर है ना, सिलहट जिला, पश्चिमी पंजाब, ठीक है ना, पूर्वी बंगाल, ये बहुत सारे कुछ रियासतें भी दी गई थी, तो ये क्षेत्र इनको दिए गए थे, वो एक्ट 1947 ही था। इसके द्वारा रियासतों को भी तो समाप्त किया गया था, वो आजादी के बाद ही रियासतों को समाप्त किया गया था, ठीक है। तो इसमें तो रियासतों को ये बोला गया था कि रियासतें अपनी मनमर्जी से जहां चाहे वहां रह सकती हैं कैबिनेट में, ठीक है ना। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो धीरे धीरे उसके लिए रियासतों को शामिल किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। तो
हमने कल शायद आपको पढ़ाया था कि अदन और म्यांमार को अलग किया गया था। अब किसके तहत किया गया था आप देखोगे, इसमें केवल ये पूछा गया है और ये क्वेश्चन आया है एमपीपीसीएस 2000 सॉरी यूपीपीसीएस 2011 में, मेंस में, मतलब बर्मा, क्वेश्चन दूसरा सेकंड पार्ट का, बर्मा किस एक्ट के तहत किससे, भारत से नहीं, ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था। और ये यूपी पीएससी मेंस में बच्चों 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। अगला है इसमें गवर्नमेंट इंडिया, ए बी सी में ले लेना इसे, ए और बी। अगला है इसमें गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919। सीस का जो आंसर है बच्चों ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसका जो डी और लास्ट ऑप्शन है वो ये है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो हमने बताया था भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अदन को और म्यांमार को, मैंने बर्मा ने बोल के वहां म्यांमार बोला था अपने डिस्कशन में, म्यांमार को भारत से अलग किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, 1909 में कोई अलग करने की बात नहीं थी, ठीक है ना। ये सांप्रदायिक से संबंधित था, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की बात की गई थी इसमें। 1919 में प्रांतों को द्वैत शासन की बात की गई थी, केंद्र में द्विशतनात्मक व्यवस्था की बात की गई थी, संघारी राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा बनाई थी, ठीक है ना। और कई उनको निर्वाचन के बारे में बात की गई थी, ठीक है ना। और 1947 से भारत के स्वतंत्रता अधिनियम से, जिसमें भारत से पाक को अलग करने की बात की गई थी। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों वो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एमबीपीसीएस 2013 में आया है तो वो ये है, सब लोग ये बताओ कितने सही है, मेरे बोलने आंसर बोलने से पहले ही किया करो। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया, केंद्र में बोल रहा है ये, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। और बच्चों ये आया है एमपीपीएससी 2013, मतलब हर एक क्वेश्चन आयोग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है 1900 एक्ट 1961, एक्ट 1961। बी दे रखा है इसमें बच्चों एक्ट 1917, सी दे रखा है बच्चों इसमें एक्ट 1919, एक्ट 1919। और अंतिम और डी दे रखा है इसमें बच्चों एक्ट 1915। तो आप बताइए जल्दी से इसका आंसर, आंसर क्या होगा, और एमपीपीसीएस 2013 का आया हुआ ये क्वेश्चन है। और एक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। तो चले हम, तो थोड़ी देर पहले ही मैंने ये बताया था कि एक्ट 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन, दीवानी किसी अलग के हाथ में और राजनीतिक व्यवस्था किसी और के हाथ में, ठीक है ना। और मैंने ये बताया था केंद्र में द्विसदन, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन जो था वो राज्य परिषद था, मैंने ये बताया था, जिसमें 60 सदस्य थे, ठीक
ठीक है ना। और निम्न सदन जो था वो केंद्रीय विधानसभा था, जिसमें शायद 145 सदस्य थे, जिनमें से 41 को नॉमिनेट किया गया था और अन्य को निर्वाचित किया गया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये आपको पूरा डिस्कशन पता होना चाहिए, जब आप एक बार पढ़ लोगे और रिवीजन कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको शायद ही कोई क्वेश्चन आपसे पॉलिटी में गलत होगा, किसी भी स्तर का। आईएएस से बड़ा तो शायद एग्जाम नहीं होता है, तो यहाँ आईएएस के क्वेश्चन भी डिस्कशन करा रहा हूँ साथ ही साथ, ठीक है ना। तो जब आप बड़े क्वेश्चन डिस्कस कर लोगे तो छोटे तो आराम से कर जाओगे, वो कोई ज्यादा बड़े नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करती है, प्रेरित है राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, राष्ट्रपति के, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन 4 है, वैसे 5 पहले करा दिया और ये नमा हो जाता। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, ये पूछा है उसने। और इसमें पहला ऑप्शन दिया है एक्ट 1919, फर्स्ट दिया है एक्ट 1919। अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है जो क्राउन का समय था, ब्रिटिश ताज का भारत में जो समय था, उस समय क्या प्रावधान किए गए थे, वहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग में। तो ये भी क्वेश्चन जो पूछा गया है बच्चों वो यूपीपीसीएस मेंस 2008 का है, ये भी क्वेश्चन यूपीपीएससी मेंस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें बी जो ऑप्शन है वो बी कह रहा है एक्ट 1935, एक्ट 1935, और सी में बच्चों कह रहा है ये एक्ट 1909, और अंतिम और डी में कह रहा है एक्ट 1947। आंसर फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप करिए जल्दी से, कौन सा है, टाइम नहीं लगाइए इसमें। तो इसमें हम अगर आपको बताएं बच्चे कि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी वो 1861 के एक्ट में मिली थी, ठीक है ना। लेकिन हम राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति बताएं, तो हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस, एक्ट 1861 में भारत में जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी वो वायसराय को मिली थी, वायसराय को, एक्ट 1861 के तहत। ये वायसराय को अध्यादेश भारत में आपातकालीन स्थिति में वायसराय क्या करेगा, बिना विधान परिषद को पूछे अध्यादेश मतलब कानून बना सकता, ऑर्डिनेंस लाएगा और ऑर्डिनेंस ला करके कानून बनाएगा। ये एक्ट 1861 में कहा गया था, पहली बार ऐसा प्रावधान हुआ था, ठीक है ना। कंपनी ने ऐसा किसी गवर्नर को मौका नहीं दिया था। उसके बाद अगर हम भारत के राष्ट्रपति की बात करूं तो भारत के राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने के लिए प्रेरित करता है वो एक्ट 1935 करता है। इस एक्ट 1935 का सेशन या धारा 42 में अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है, ध्यान रखना। तो इसका, और भारतीय संविधान में इसे आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी मतलब विपरीत कंडीशन में, जब सत्र नहीं चल रहे होते हैं उस स्थिति में अगर कोई विशेष कानून बनाने की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके उस कानून को बना सकता है, ठीक है ना। लेकिन इस कानून को एक निश्चित समय में पारित करना होता है। वहीं राज्यों में राज्यपाल आर्टिकल 213, इसे डिटेल में पढ़ाएंगे आगे जाके, लेकिन अभी रेफरेंस के लिए दे देते हैं। राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत राज्यों में जब सत्र नहीं चल रहे होते हैं और किसी विशेष स्पेसिफिक लॉ की जरूरत होती है उस समय आर्टिकल 213 के तहत ये कानून बना सकता है। और ये जो राष्ट्रपति को प्रेरित करता है वो एक्ट 1935, क्योंकि मैंने बताई थी 50% से ज्यादा प्रावधान एक्ट 1935 से लिए गए हैं और उसकी धारा 42 ही ऑर्डिनेंस से संबंधित है, अध्यादेश से संबंधित है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो पी होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5th,
क्वेश्चन फिफ्थ कह रहा है बच्चों, केंद्रीय विधानसभा का या के निम्न में से कौन सा या कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए। सीधा सीधा पूछ रहा है किस एक्ट के तहत ये पूछ रहा है कि एक्ट 1919 के तहत कब कब निर्वाचन हुआ, ठीक है, ये पूछा है। और ये क्वेश्चन जो आया है बच्चों वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन RAS और RTS 2018 में नया क्वेश्चन है। RAS का एग्जाम काफी अच्छा एग्जाम होता है और RTS में ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक्ट 1919 के तहत कब कब चुनाव हुए। तो इसमें पहला ऑप्शन जो दे रखा है बच्चों वो 1926 में इलेक्शन हुए, बी कह रहा है 1937 में इलेक्शन हुए और सी कह रहा है 1945 में इलेक्शन हुए, ठीक है ना, और डी सी कह रहा है 1945 में और डी कह रहा है, नहीं तीन ही दे रखे हैं और इसमें उत्तर पूछ रहा है वो ए में दे रखा है केवल ए और बी में कह रहा है ये बी व सी और बच्चों सी में कह रहा है ये ए व सी और डी में कह रहा है ये सभी। तो मैं आपको याद दिला दूं कि एक्ट 1919 ये जो 1900 देखो आप कहां से क्वेश्चन करोगे, आपको नहीं पता, मान लो डिस्कशन में डिस्कस नहीं कराया तो आपको ये तो पता है ना कि जो 1937 में इलेक्शन हुए तो जो 28 महीना जो सरकार चली थी वो एक्ट 1935 के तहत हुए थे, ये पता है ना। इसका मतलब ये तो इसमें बी तो होगा ही नहीं, इसमें बी तो होगा ही नहीं, इसका मतलब क्या है, जब बी नहीं होगा तब तो इसमें बी किस में नहीं है, बी देखो एक तो इसमें नहीं और एक इसमें नहीं, तो ये तो दोनों बेकार हो गए, ये तो होंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना एक्ट 1919 के तहत जो इलेक्शन हुए थे वो 1926 और 1945 में हुए थे, इसीलिए इसका आंसर ए और सी सही होगा। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है बच्चों क्वेश्चन सिक्स, इसमें ये पूछ रहा है निम्न में ऐसे किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवत किया गया था, किस एक्ट के तहत। तो एक्ट पूछा है और पूछ रहा है संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्त किया किस एक्ट के तहत प्रवर्त किया। और यदि हम देखते हैं कि ये किस में आया है तो ये MPPCS 2017 का नया क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश PSC 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसका पहला जो ऑप्शन दे रखा है बच्चों वो एक्ट 1909 और बी में इसने दिया है एक्ट 1919 और सी में बच्चों इसने दिया है एक्ट 1935 और डी में दे रखा है बच्चों, सभी लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लगाइए कौन सा आंसर होगा इसका। तो इसमें अगर आंसर की बात करें तो बच्चों आंसर होगा सी, मैंने ये बताया था कि एक्ट 1935 काफी जटिल दस्तावेज था, काफी बड़ा था और इसी में निरंकुशता का सिद्धांत भी, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत क्लियर इसीलिए होता है कि इसमें भारत संघ की स्थापना की बात की गई थी, इसमें संघीय न्यायपालिका की बात की गई थी, इसमें केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन की बात की गई थी। तो मेरा कहने का मतलब आंसर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
संवैधानिक निरंकुश था, मतलब बहुत सारे प्रावधान निरंकुश टाइप के, ठीक है। तो वो मैंने बताया था, ये काफी ब्रॉड किया गया था। तो नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसे दी गई थी? तो क्वेश्चन 7 जो है वो ये है, एक्ट 1935, यदि आपने सही पढ़ा हो, के तहत अवशिष्ट शक्ति किसके पास थी? अवशिष्ट जो शक्ति थी, मैंने बताया भी था आपको, ये किसके पास थी? और ये पूछा गया है बच्चों, क्वेश्चन लो लगा लो सब, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और ये यूपीपीएससी मेंस 2018 में, यूपीपीएससी मेंस के 2008 में। और देखो बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए इसे आईएएस, इसी क्वेश्चन को आईएएस 2018 में, बिल्कुल नया 2018 में भी रिपीटेशन मार दिया। कौन कहता है रिपीटेशन नहीं होता, बशर्त हम उस पर फोकस नहीं कर पाते। इसका जो ऑप्शन दे रखा है बच्चों, वो पहला ऑप्शन है संघीय विधायिकाओं को, संघीय विधायिकाओं को, और बी दे रखा है इसमें बच्चों प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय विधानमंडल को, और सी बोल रहा है इसमें गवर्नर जनरल को। और डी कह रहा है इसमें बच्चों प्रांतीय गवर्नरों को, प्रांतीय गवर्नरों को। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कौन सा होगा फटाफट से। और देखो ये रिपीटेशन क्वेश्चन हमारा आईएएस में भी आया है, पीसीएस में भी आया है, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाए, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन लग रहा है उसे। तो मैंने बताया भी था आपको कि अवशिष्ट विषय होते हैं जो राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं होते। मैंने यह एग्जाम्पल भी दिया था एलियन वाला, और वही हमने बताया था कि एक्ट 1935 के तहत जो शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी, ठीक है ना। इसमें हमने बड़े अच्छे से आपको डिस्कशन भी किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो आठवां क्वेश्चन है, तो ये है बच्चों, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल था। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित किया किसके तहत किया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आया है यूपीपीएससी मेंस 2012 में, यूपी पीएससी मेंस एग्जाम के 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन दे रखा है बच्चों वो है एक्ट 1935, एक्ट 1935। बी जो ऑप्शन दे रखा है इसमें एक्ट 1940, एक्ट 1940। सी जो दे रखा है वो एक्ट 1919, सी दे रखा है एक्ट 1919, और बच्चों डी दे रखा है एक्ट 1940, एक्ट 1940। तो तुम्हें ये भी बात ध्यान रखनी है, जैसे हमें नहीं पता लेकिन हमने डिस्कशन में ये पढ़ा था कि एक्ट 1940 कहाँ बना था, पॉलिटी में एक्ट 1940 कहाँ बना था। तब तो ये दो बचे ना, और अखिल भारतीय महासंघ की बनाने की जो बात करी गई थी वो एक्ट 1935 में करी गई थी शायद, पहला और दूसरा ही पॉइंट मैंने, और आपने अच्छे से डिस्कशन किया हो तो पहला और दूसरा शायद पॉइंट ही मैंने उसी में लिखवा रखा है, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो पूछा है क्वेश्चन 9, उसमें ये पूछा है 1935 में स्वीकार किया गया अभियव नहीं है, एक्ट 1935 में स्वीकार्य अवयव नहीं है, मतलब ऐसे स्टेटमेंट दे रखे होंगे आपके सामने जो एक्ट 1935 के नहीं होंगे, और ये यूपीपीएस पीसीएस के 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। और पहला है इसमें देश के लिए लिखित संविधान,
देश के लिए लिखित संविधान। चैट बॉक्स में लिखना है कौन सा आंसर होगा जल्दी से। दूसरा है विधानमंडल के लिए निर्वाचन जवाबदेही, विधानमंडल के लिए निर्वाचन, विधानमंडल के लिए निर्वाचन एवं जवाबदेही, प्रतिनिधि व जवाबदेह प्रतिनिधि। सी जो है बच्चियों, इसका ऑप्शन ये है, एक संघ की योजना पर विचार, एक संघ की योजना पर विचार, ठीक है। और डी जो है वो ये है, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का नॉमिनेट किया जाना, विधान मंडल के लिए सरकारी सदस्यों का नामित होना, नामित लिख दो, नामित होना, नॉमिनेट मतलब नॉमिनेट करना। तो आप इसका आंसर बताओगे, आंसर कौन सा होगा जल्दी से। और ये आरएएस और आरटीएस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन नहीं, यूपीपीसीएससी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। जल्दी से करिए, फटाफट आंसर बताइए इसका पढ़कर। और लास्ट में ये भी लिखना है कमेंट में कितने आंसर तुम लोगों के ठीक हैं। तो बच्चों हम चलते हैं, तो इसका आंसर जो है वो होगा देश के लिए लिखित संविधान। ये कहीं भी एक्ट 1935 में नहीं था, ठीक है ना। बाद बाकी ये तीनों चीजें एक्ट 1935 में समाहित थी। निर्वाचन के लिए जवाबदेहिता की बात की गई थी, संघ बनाया ही गया था, और विधानमंडल के लिए नॉमिनेट सदस्यों की भी बात की गई थी। तब ये सबसे पहले जो संविधान की बात की गई थी, लिखित संविधान होगा वो क्रिप्स मिशन में की गई थी, ध्यान रखना, क्रिप्स मिशन के। भारत के लिए एक लिखित संविधान होगा, ये 1942 में आया था, ध्यान रखना, क्रिप्स मिशन, ठीक है ना। जब दबाव डाला अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने, तब फटाफट से भागना पड़ा स्टेपल क्रिप्स को भारत में, एक सदस्य आयोग लेकर के, अगर याद आ रहा हो आपको डिस्कशन तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चियों, निम्न में से किस एक अधिनियम में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी, किस एक्ट में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। दसवां क्वेश्चन है, किस एक्ट में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी। तो इसमें ऑप्शन जो ए होगा बच्चों, वो एक्ट 1909, बी जो होगा वो एक्ट 1919, 1919, सी जो होगा वो एक्ट 1935, और जो डी होगा बच्चों वो एक्ट 1947, एक्ट 1947। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। और जल्दी से चैट बॉक्स में फटाफट से तो संघीय व्यवस्था के बारे में जो सबसे पहले बात की गई थी बच्चों, तो वो हमने बताई थी आपको, ये यूपीपीसीएस 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है, वो हमने साफ बताई थी। संघीय सरकार की बात की थी, एक्ट
1935, काफी बड़ा एक्ट था, कहीं भी इनमें संयम की बात नहीं की गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते रहना कितने सही हैं तुम लोगों के। 11, 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन ये बोल रहा है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित था। तो ये पूछ रहा है भारत का जो संविधान है, संविधान में वर्तमान में जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किसके, किस एक्ट के तहत किया गया, और ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों यूपीपीएससी 2015 में, नहीं 15 में नहीं आया, ये आया है दो आईएएस 2012 में, ये आईएएस 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है एक्ट 1909 मतलब मार्ले मिंटो रिफॉर्म, और बी दे रखा है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट 1919, इनके सबके नाम लिखवाए थे मैंने, और सी दे रखा है इसमें बच्चों भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है एक्ट 1935, और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, एक्ट 1947। जल्दी से बताइए कि एसओपी की बात, सेपरेशन और पावर की बात सेंटर और स्टेट के बीच किसमें की गई थी, फटाफट से। तो सेपरेशन और आईएएस 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो भारत शासन 1935 जो था, जल्दी से टाइप करिए कौन सा होगा आंसर। तो ज्यादातर लोगों के आंसर ठीक जा रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी हैं जिनके आंसर ठीक नहीं है। तो अगर हम एक्ट 1935 की बात करते हैं, तब ये पारित हुआ था, तो इसमें बोला था केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, मतलब राज्यों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था, अखिल भारतीय संघ भी बनाया गया था, और जो उस समय की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने भारत के प्रांत चीफ कमिश्नर प्रांतों के देशी रियासतों से मिलकर होना ये बताया था कि ये सब मिलकर होनी चाहिए, और यह व्यवस्था लागू जो मिलकर रहने की व्यवस्था थी वो लागू नहीं की जा सकी, तब एक्ट 1935 में जो एसओपी थी एसओपी को केंद्र और राज्यों के बीच लागू किया गया। तो इसका आंसर कौन सा होगा बच्चों, शी, ठीक है। तो ये आईएएस 2000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया था, भारत का संघीय न्यायालय, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था, और ये आया है बच्चों यूपीपीएससी 2015 में, यूपीपीएससी मेंस के एग्जाम में 2015 में आया हुआ। देखो मेंस उस समय हो या अब सब्जेक्टिव फॉर्मेट कर दिया अब भी हो तो हार्ड नहीं है, देखो हम कहते हैं प्री प्री तैयार होने के बाद मेंस में ज्यादा टाइम नहीं लगता है भाई। तो इसका ऑप्शन है ए में 1935, बी दे रखा है इसमें 1937, सी दे रखा है इसमें 1946, और डी दे रखा है इसमें 1947। जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा, और टाइप करिए चैट बॉक्स में जल्दी से, भारत में किस वर्ष जो है संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, जल्दी से। हाँ किस वर्ष, किस एक्ट नहीं पूछा मैंने, क्वेश्चन को पहले सही से पकड़ा करो, मैंने किस वर्ष पूछा है, किस वर्ष की गई थी, अगर पूछ लेता किस एक्ट के तहत की गई थी तो दोनों का आंसर अलग हो जाता। तो मैंने आपको यह बताया था कि एक्ट 1935 के तहत, एक्ट 1935 के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय कार्यरत हुआ था, ये मेरे डिस्कशन में होगा जरूर कि एक्ट 1935 के तहत क्या बनाया गया था, एक संघीय न्यायालय बनाया गया था, कहाँ, दिल्ली में, और कार्य करना उसने प्रारंभ किया था 1937 में। तब बच्चों इसका आंसर
बी सही होगा। आप देखना आपने सही किया या गलत किया है, मैक्सिमम का ये गलत है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आईएएस 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो कितने सरल क्वेश्चन आ रहे हैं और हम नहीं कर पाते, ये ध्यान रखो। सबसे बड़ी बात है कि हम रिपीट खा जाते हैं इतने सरल क्वेश्चन में, क्यों रिवीजन नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। तो अब वो विशेषता पूछ रहा है एक्ट 1919, इसका मतलब क्या है। अगर हमने एक्ट 1919 को सही से समझा होगा तब तो हम आसानी से इसकी विशेषता कर पाएंगे, और ऐसा ही नहीं है। आईएएस 2012 में ये क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है बच्चे हो। तो इसका ए ऑप्शन है, एक में दे रखा है इसने, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की स्थापना, मतलब प्रांतों में द्वैत शासन की बात कह रहा है। और दूसरे में कह रहा है बच्चे हो ये मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, तो ये कह रहा है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। और थर्ड में बच्चे ये कह रहा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी हस्तांतरण, और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ए में कह रहा है बच्चों केवल एक सही होगा, दो में कह रहा है केवल दो और तीन सही होंगे, सी में कह रहा है केवल एक व तीन सही होंगे, और डी में कह रहा है कि ये सभी सही होंगे, ऑल होंगे। जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा, अगर आपने एक्ट 1919 पढ़ा है तो, वरना आप लापरवाही कर रहे हो और आपके लिए बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। जल्दी से करिए, जल्दी जल्दी 1919 की विशेषता पूछी है उसने। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए जल्दी से। तो बच्चे अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, एक चीज बताइए आप कैसे कर पाओगे, सिर्फ ये पता होनी चाहिए आपको, सेकंड ऑप्शन पता होना चाहिए कि मार्ले मिंटेर बोर में 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इसका मतलब क्या है, सेकंड वाला तो होगा ही नहीं, ये तो 1909 में था, और हमने बताई थी प्रांतों में 1919 में दिया गया था और 1935 में खत्म कर दिया गया था द्वैत शासन। इसका मतलब ए तो सही होगा, लेकिन हम दो से ही चाहें तो देखो ये आंसर नहीं होगा, ऑल वाला भी आंसर नहीं होगा। एक बिल्कुल सही निकाल लिया, केंद्र द्वारा प्रांतों को जो विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था वो भी एक्ट 1919 की विशेषता थी। इसका मतलब एक और तीन इसका आंसर सी सही होगा। तो ये अप्रोच आपको रखनी है कि कौन सा नहीं होगा और कौन सा होगा, तब आप कर पाओगे बेहद आसानी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे हो। तो वो पूछ रहा है, भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता पूछ रहा है, एक्ट 1935 की विशेषता, और ये बच्चों आरएएस में आया हुआ है, आरटीएस में 2016 में आया हुआ है कि एक्ट 1935 की क्या विशेषता है। इसका मतलब देखो क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ बनाया गया था, तो अखिल भारतीय महासंघ बना, ठीक है ना, एक्ट 1935 में, तो वो ये विशेषता नहीं है पूछ रहा, नहीं नहीं है, ठीक है। और बी में पूछ रहा है बच्चे हो, बी में दे रहा है ये अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए, अवशिष्ट विषय प्रांतीय
विधायिकाओं को आवंटित किए जो अवशिष्ट विषय थे। शी कह रहा है बच्चों ये यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों को स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता की बात करता था। डी कह रहा है बच्चों ये इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। तो प्रांत में द्वैत शासन, प्रांत में द्वैत शासन समाप्त की कह रहा है और केंद्र में लागू की कह रहा है। अब आप बताइए 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। तो साफ बात है मैंने इससे पहला ही जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें बताई थी ये प्रांतीय विधायिकाओं को नहीं दी गई थी अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार, ये गवर्नर जनरल को दिया गया था। इसका मतलब ये इसकी विशेषता नहीं होगी। अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई थी, प्रांतीय स्वायत्तता उनको विधायी शक्ति हस्तांतरण करके दी गई थी और प्रांतों का द्वैत शासन खत्म किया गया था और केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था। ये एक्ट 1935 की विशेषता थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें 15वां क्वेश्चन, तो 15 में पूछ रहा है बच्चों एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन लागू किस एक्ट के तहत हुआ था। और ऐसी बात नहीं है जैसे ही आ गया, ये भी यूपीपीसीएस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीपीएससी 2013 में आया है, सब क्वेश्चन आयोग में आए हुए क्वेश्चन हैं। पहला कह रहा है एक्ट 1919 सॉरी एक्ट 1909, पहला कह रहा है एक्ट 1909, बी में कह रहा है एक्ट 1919, एक्ट 1919 और सी कह रहा है बच्चों एक्ट 1935, एक्ट 1935 और डी कह रहा है बच्चों इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताइए और टाइप कीजिए फटाफट से। तो हमने साफ बताया था आपको संघीय व्यवस्था के बारे में और केंद्र में प्रांतों में समाप्त और केंद्र में लागू द्वैत शासन एक्ट 1935 की विशेषता थी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 16वां क्वेश्चन, फटाफट से देखना कितने सही हुए तुम लोगों के, कितना तैयारी की है तुमने। तो निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस की शक्ति किस एक्ट के द्वारा प्राप्त हुई थी और यह पूछा गया है 2023, यूपीपीएससी 2003 का क्वेश्चन है। इसका पहला जो ऑप्शन दिया है वो एक्ट 1861, एक्ट 1861, दूसरा दिया है एक्ट 1892, एक्ट 1892, सी दिया है बच्चों एक्ट 1909, एक्ट 1909 और लास्ट दिया है एक्ट 1900, डी दिया है एक्ट 1919। जल्दी से आंसर टाइप करिए फटाफट से, देखते हैं क्या तैयारी की है तुमने। तो बजट में बहस करने की शक्ति किसके द्वारा दी गई जल्दी बोलिए। अरे भाई साफ तौर पे हमने बताया था कि एक्ट 1892 के तहत भारतीय परिषद अधिनियम में जो विधान परिषद थी उसके कार्यों में क्या की गई थी, वृद्धि की गई थी और एक्ट 1892 के तहत ही इनको बजट पर बहस करने की शक्ति दी थी। लेकिन बहस के बाद जो मतदान होते थे वो मतदान न करने की शक्ति इनके पास नहीं थी। बजट पर प्रश्न तो पूछ सकते थे लेकिन पूरक प्रश्न इस एक्ट के तहत नहीं पूछते थे, लेकिन बहस करने की शक्ति एक्ट 1992 के तहत दी गई थी, ध्यान रखना। तो इसका आंसर होगा बच्चों बी। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और रह गए हमारे इसमें। अप्रोच देखिए क्वेश्चन कहां से, और हर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और डिस्कशन से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है किस एक अधिनियम के द्वारा बाद में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये यूपीपीसीएस संघीय न्यायालय की स्थापना
और ये यूपीपीएससी 2014 का क्वेश्चन है, 2014। ठीक है, तो इसमें आंसर जो दिया है वो ए आंसर एक्ट 1892 दे रखा है, बी दे रखा है 1909, बी दे रखा है एक्ट 1909, सी दे रखा है बच्चों एक्ट 1919, और डी दे रखा है बच्चों एक्ट 1935। जल्दी से टाइप करिए, देखो रिपीटेशन क्वेश्चन है ये, पिछली उसमें भी सॉल्व कराया है ये। तो एक्ट 1935 के तहत 1937 में एक्ट 1900, देखो वहां पे पूछा है किस वर्ष बना और यहाँ पूछ लिया किस एक्ट के तहत। देखो रिपीटेशन है लेकिन थोड़ा सा चेंज किया, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये एक्ट 1935 क्या होगा, इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 1818 में क्वेश्चन अगला है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार दो सदनी बनाई गई, पहली बार विधान पालिका द्विसदनी, मतलब दो सदन बनाए गए उसमें, उच्च सदन और निम्न सदन, और ये 2018 में, 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीपीएससी 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो पहली बार कब बनाई गई थी, ऑप्शन दे रखा है 1892, एक्ट 1892, और बी दे रखा है उसने एक्ट 1909, सी दे रखा है एक्ट 1935, और डी दे रखा है एक्ट 1919। जल्दी से, 2008 में वो क्वेश्चन है, फटाफट से द्विसदनी कब बनाई गई पहली बार टाइप करिए। तो बच्चों पहली बार बनाई गई थी, आंसर इसका डी होगा, एक्ट 1919 में, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्ट 1919, ठीक है। पहली बार जो दो सदनी बनाई गई थी, दो सदन 1919 में बनाई गई थी, ठीक है ना, एक एक विधानसभा और एक विधान परिषद, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 19वां, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। निम्न में से किन अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली, केंद्र में द्वैत शासन लागू इसलिए आया है यूपीपीएससी 2014 में, ए है एक्ट 1935, बी है एक्ट 1909, और सी है एक्ट 1919, और डी है बच्चियों एक्ट 1947। सबको पता है इसका आंसर ए होगा, क्योंकि राज्यों में प्रांतों में खत्म की थी द्वैत शासन प्रणाली और केंद्र में लागू की थी एक्ट 1935 के तहत। और इसमें बेटा जो लास्ट क्वेश्चन होगा आपका वो ये है कि कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लेके आया, कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका लेके आया। कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया, ये एमपीपीएससी 2013 का क्वेश्चन है। ए एक्ट 1919, बी एक्ट 1917, और सी ये एक्ट 1961 है, ये 1961, सी है एक्ट 1919, और डी है एक्ट 1915। तो ये तो कोई एक्ट थे ही नहीं, ये भी कोई एक्ट नहीं रहा, तो आंसर क्या बचा, आंसर बचा बच्चों सी। तो कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बिल्कुल सिंपल होते हैं, ठीक है ना, और वो हम पर सॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही बहुत है, नेक्स्ट क्लास में हम समितियों के बारे में पढ़ाएंगे और उससे आने वाले क्वेश्चन
सॉल्व कराएंगे, या देखते हैं कौन सी जो भी क्लास होगी वो बेहद अच्छी होगी। तो मेरा कहने का मतलब डिस्कशन के माध्यम से कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, तो यही हमें अपनी क्लास में शुरू से लास्ट तक अप्रोच अपनी पढ़ाई में रखनी है कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या उसे हम सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो आयोग हमसे पूछ रहा है उन चीज़ों को, क्या हम सटीक आयोग की बातों को ही पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो आज के लिए हमारा डिस्कशन इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।